हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पल्लवी। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के साथ एक मेकअप वीडियो शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस, बहुत दिन हो गए हैं मैंने कोई भी मेकअप वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए हैं। सो लास्ट मैंने एक ब्लॉग शेयर किया था, वो मेरा फर्स्ट ब्लॉग था। एंड अगर आपने अभी तक वो ब्लॉग नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी गाइस। सो मैं उसी में बिजी थी इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो शूट करने का। फाइनली मैं फ्री हो गई हूँ। सो धीरे धीरे मैं अपने रूटीन पे आ रही हूँ। सो आज मैंने दिस काइंड ऑफ मेकअप लुक क्रिएट किया है। ये बहुत ही प्यारा सा शटल सा पिंक आई मेकअप लुक है, पॉप ऑफ येलो। सो इसे आप समर मेकअप लुक भी कह सकते हो, इसे काइंड ऑफ टीनेजर्स मेकअप लुक भी कह सकते हो। ये बहुत ही इजी पीजी सा मेकअप लुक है। एंड फर्स्टली ये नो ब्रश मेकअप लुक है, मैंने कोई भी टूल कोई भी ब्रश यूज नहीं किया है इस मेकअप लुक में। मैंने सारे मेकअप अपने हैंड से किए हैं, कोई भी टूल यूज नहीं किया है। सो दिस वीडियो इज काइंड ऑफ नो ब्रश मेकअप लुक। सो अगर आप टीनेजर्स हो एंड आप समर सीजन में कोई अच्छा पिंक येलो मेकअप लुक क्रिएट करना चाहते हो सो आप ये लुक ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा समर्स में। अगर आप जानना चाहते हो मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखें एंड आपको पता है क्या करना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। एंड अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड उसके बगल में जो बेल आइकन है आप उसे पे हिट कर दें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए एंड सबसे पहले मेरा वीडियो आप देख पाए। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप कर लिया था। सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्राइमर से एंड मैंने यहाँ लिया है लैक्मे का ब्लर प्राइमर एंड इसे मैं अच्छे से अपने टी जोन एरिया पे लगा लूँगी ताकि जो मेरे पोर्स है वो अच्छे से मिनिमाइज हो जाए एंड जो मेरा बेस है वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग एंड अच्छा दिखे। सो देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ पॉन्स का ये बीबी क्रीम। सो गाइस, समर्स टाइम है एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा हैवी बेस नहीं अच्छा लगता समर में एंड वो बहुत ही पैची सा दिखता है। सो आई प्रेफर बेबी क्रीम, सो इसलिए मैंने बेबी क्रीम लिया है एंड ये फिंगर की हेल्प से बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, बहुत ही अच्छे से, बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लगते, आप देख सकते हो। देन मैंने लिटिल बिल अमाउंट अपने नेक पे भी अप्लाई किया है एंड इसकी जो कवरेज है वो भी आपको मीडियम मिल जाती है, सो ये अच्छा है। देन मैंने अप्लाई किया है यहाँ कंसीलर एंड दिस इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी। सो मैंने बहुत ही थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई किया अपने टी जोन एरियाज पे ताकि जो मेरे हाइलाइटिंग एरिया है वो अच्छे से हाईलाइट हो जाए एंड इसे भी मैं अपने रिंग फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर ले रही हूँ एंड आप देख सकते हो ये फिंगर की हेल्प से कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी कोई एफर्ट्स नहीं लग रहा है, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो रहा है एंड आप देख रहे हो मैं इसे डबिंग मोशन में ब्लेंड कर रही हूँ। कोई टूल्स नहीं है, कोई ब्रशेज या ब्लेंडिंग ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। देन मैंने यहाँ लिया है 20 समथिंग पैलेट से ये पिंक शेड एंड इसे मैं धीरे धीरे करके इसके पिगमेंटेशन को हाई करूँगी। इससे क्या होगा कि जो मेरा शेड है, मेरा कलर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लेंडेबल दिखेगा, बिल्कुल भी हार्श नहीं दिखेगा। सो अब देख सकते हो मैं धीरे धीरे कैसे अपने लाइट हैंड से ब्लेंड भी कर रही हूँ। थोड़ी प्रॉब्लम होती है आई शेडो लगाने में फिंगर की हेल्प से, बट कोई नहीं, लग जाता है क्योंकि हम बिहारी हैं और हम जुगाड़ कर लेते हैं। देन मैंने यहाँ लिया है ये येलो शेड एंड इसे मैं अपने इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ, आप देख रहे हो। देन मैंने हल्का सा अपने इनर कॉर्नर आईलेट पे भी अप्लाई किया है एंड जब आप आईलेट पे अप्लाई करते हो पिंक शेड के साथ तो ये एक ऑरेंजी सा शेड बन जाता है जो कि
बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। देन मैंने पिंक शेड को अपनी लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई किया है। देन मैं यहाँ यूज कर रही हूँ मेबेलिन का ये ग्लॉस आईलाइनर। सो इसे मैं अपने आउटर कॉर्नर में अच्छे से विंग ड्रॉ कर रही हूँ, आप देख सकते हो। अच्छा मस्करा है, मुझे ये बहुत पसंद आया। एंड मैंने ये मस्करा फर्स्ट टाइम ट्राई किया है एंड आई एम प्रीटी इम्प्रेस्ड। तो इसे मैंने अच्छे से अपने लैसेस पे अप्लाई कर लिया है। एंड मस्करा अप्लाई करने के बाद मैं यूज़ करूँगी कर्लर। तो थोड़ा सा मैंने अपने लोअर लैश लाइन पे भी मस्करा अप्लाई किया है क्योंकि मैं कोई काजल यूज नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने मस्करा अप्लाई कर लिया है। लैसेस को कर्ल कर लूंगी। देन मैंने लिया है यहाँ लिपस्टिक इन द शेड पीच एंड इसे मैं एज अ ब्लश अप्लाई करूंगी। सो फिंगर की हेल्प से पाउडरी कलर अच्छे से अप्लाई नहीं होते हैं फेस पे, और तो इसलिए मैंने लिपस्टिक लिया है ताकि ये अच्छे से अप्लाई हो और अच्छे से ब्लेंड भी हो जाए। ज़्यादा क्यूट लग रही है ये लुक। सो टीनेजर्स के लिए तो ये लुक बेस्ट है। सो गाइज, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो बाय गाइज।